ने बनाया है चॉकलेट से बने ये चॉकलेट कोन्स जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इसे आप किसी भी त्यौहार में फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं या आप किसी भी पार्टी में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलेंगी। चॉकलेट कोन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है OHP शीट, ये आपको मार्केट में ईजिली मिलेगी, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होती है, आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं OHP शीट को। और साथ ही साथ मैंने लिया है ट्रांसफ़र शीट, इससे भी आज हम चॉकलेट कोन बनाएंगे। ये प्रिंटेड होती है, कई डिज़ाइंस में आती है, तो दोनों का यूज़ करके हम चॉकलेट कोन बनाएंगे। कोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें राउंड शेप कट करना है, तो मैंने OHP शीट लिया है और एक बाउल लिया है, इसे हम OHP शीट के ऊपर रखेंगे। पेन से चारों ओर हम राउंड मार्क बना लेंगे, एक शीट पे जितने राउंड्स काट सकते हैं उतने हम काट लेते हैं। और सेम हम ट्रांसफ़र शीट पे भी राउंड बना लेते हैं। आप जितने बड़े कोन बनाना चाहते हैं उतने बड़े बॉल्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े राउंड शेप कट करेंगे तो कोन बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं मीडियम साइज़ से कोन्स बना रही हूँ। तो ये मैंने चारों राउंड्स कट कर लिए हैं और इसके हमें कोन बनाने हैं, तो हम एक राउंड लेते हैं, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ध्यान रहे कि जो लास्ट का जो एंड है ना वो थोड़ा सा महीन होना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट जब हम मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा। ये हमारा एक कोन बनकर रेडी है, इसे हम चिपका लेते हैं। तो इसे हम सेलो टेप से नीचे की तरफ अच्छे से चिपका लेंगे। सेलो टेप को मैंने डबल साइडेड कर दिया है जिससे कि निकालने में आसानी होगी। नीचे की तरफ से चिपका लिया है और अब इसे हम ऊपर की तरफ से भी चिपका लेते हैं जिससे कि ये खोल नहीं पाएगा। तो ये हमारा एक कोन रेडी हो गया है और ऐसे ही हम सभी कोन्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। और ऐसे ही हम रोल करके ट्रांसफ़र शीट से भी कोन बना लेते हैं। ट्रांसफ़र शीट से रोल बनाते समय जो प्रिंटेड है वो अंदर की तरफ होगा और जो प्लास्टिक है वो बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि प्रिंट कोन के ऊपर बनकर निकल के आए। तो फ्रेंड्स, सभी कोन मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम चॉकलेट कोन बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट कोन बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर रेड कलर का वाइट चॉकलेट और मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट भी लिया है, ये दोनों चॉकलेट मैंने यूज़ किए हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है वाइट रेड चॉकलेट, और क्योंकि रेड चॉकलेट के ऊपर ये वाइट का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा, आप डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और कोन के अंदर हम डालते हैं मेल्टेड चॉकलेट, कोन को हम पूरा ऊपर तक भर देते हैं। कोन को ऊपर तक भरने के बाद हम एक मिनट तक के लिए वेट करते हैं और थोड़ा सा वेट करने के बाद हम एक्सेस चॉकलेट को निकाल लेंगे। तो एक्सेस चॉकलेट निकाल लिया है और कोन को अब हम सेट होने के लिए रख देते हैं और अब हम OHP शीट वाले कोन में डार्क चॉकलेट भर देते हैं। इसे हम चारों ओर रोटेट करते हुए लगा देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम वेट करेंगे और जो एक्सेस चॉकलेट है उसे हम निकाल लेते हैं। जब कोन सेमी सेट हो जाए तो इसके बीच में जो भी गैप्स हैं जहाँ पे चॉकलेट नहीं लगा है उसे हम ब्रश से फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चार कोन बनाकर रेडी कर लिए हैं और इन्हें अब हम फ्रिज में 10 मिनट तक के लिए सेट होने रख देते हैं। फ्रिज में मैंने सेट होने रख दिया था और अब इसे हम खोलते हैं। तो सबसे पहले हम टेप उतारेंगे।
ध्यान रखें हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो कोन्स टूट सकते हैं। और ये हमारा एक कोन बनकर रेडी हो गया है। इसे हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसे हम रखते हैं ट्रे में, और अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। तो मैंने लिया है एक कोन, और इसमें हम कुछ स्पॉन्ज के टुकड़े डालेंगे। मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, और जिसे मैंने रफली तोड़ लिया है। और सबसे पहले हम चॉकलेट स्पॉन्ज के चूरे को डालेंगे कोन में। थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोन को चॉकलेट गनाश से हम फिल कर लेंगे, और अब हम थोड़े से चॉको चिप्स डालते हैं। स्लाइटली प्रेस कर देंगे, साथ ही साथ इसमें हम थोड़े से प्रलाइन भी डाल देते हैं। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। प्रलाइन की रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में हम इसे व्हिप्ड क्रीम से टॉप कर देते हैं। हम इसके ऊपर थोड़े से प्रलाइन डालेंगे। डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़े से चॉको चिप्स। और ये हमारा एक स्टफ कोन बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसे हम रखते हैं प्लेट में। और बाकी सभी कोन्स भी हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 4 चॉकलेट कोन बनाकर रेडी कर लिया है, और इसे आप किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।